दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल है, किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी नेपाल में, डी जापान में। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। आंसर जानते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। सही जवाब है सी नेपाल में। दूसरा सवाल, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ए अदरक को, बी इलायची को, सी लाल मिर्च को एंड डी धनिया को। आपका सही जवाब है बी इलायची को। अगला सवाल, ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? ए 15,000 मजदूरों ने, बी 20,000 मजदूरों ने, सी 25,000 मजदूरों ने, डी 30,000 मजदूरों ने। आपका सही जवाब बी 20,000 मजदूरों ने। आपका चौथा सवाल, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? ए कर्नाटक राज्य में, बी उड़ीसा राज्य में, सी असम राज्य में, डी केरल राज्य में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में। पांचवा सवाल, अंगूर की खेती के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ए मुंबई, बी इंदौर, सी नासिक एंड डी असम। आपका सही जवाब है सी नासिक। दोस्तों, ऐसे प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको डेली ऐसा वीडियो मिलता रहे। आपका अगला सवाल, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ए फ्रांस, बी जापान, सी रूस एंड डी जर्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन संभव सी रूस। आपका अगला सवाल, 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि दोस्तों कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती एंड डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब बी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए गला, बी अग्नाशय, सी फेफड़ा, डी यकृत। आपका सही जवाब सी फेफड़ा। आपका अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था? ए मनुष्य, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी कुत्ता। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? हंगरी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मई को, बी 25 मई को, सी 22 मई को, डी 26 मई को। आपका सही जवाब है ए 28 मई को। आपका अगला प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, विटामिन की खोज किसने किया था? ए लेलिन, बी फंक, सी सुमेनर, डी सेंगर। दोस्तों, अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको सही जवाब दोस्तों नहीं पता है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस प्रश्न का आंसर मैं टेलीग्राम पे आपको दे पाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिले।